हम लोग 2 अक्टूबर से यही सुन रहे थे कि शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने ड्रग केस में बिना सबूत के पकड़ लिया है। 2 अक्टूबर से लेकर अभी तक इंडिया के हर एक न्यूज़ चैनल्स पर सिर्फ यही बात चल रही थी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम टू एस्केप इंडियन टीवी। जिस टाइम आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई उस टाइम शाहरुख खान फॉरेन में अजय देवगन के साथ शूटिंग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उनको आर्यन खान की गिरफ्तारी का पता चला वो शूटिंग छोड़कर एयरपोर्ट पहुंचे और इंडिया वापस आ गए। अब जाहिर सी बात है कि हर एक बाप यही चाहेगा कि उसका बेटा सेफ रहे, अच्छे से रहे। एनसीबी वालों ने जिस आधार पर आर्यन को पकड़ा था वो बेबुनियाद थे, इसलिए एनसीबी आर्यन को ज्यादा दिन तक कस्टडी में नहीं रख सकता था। लेकिन एनसीबी ने अपनी एड़ी से चोटी तक ताकत झोंक कर आर्यन को 25 दिन तक अर्थर रोड जेल में रखा, जहां खूंखार कैदी रखे जाते हैं, और ये काफी गलत बात है। ये केस कोई केस नहीं बल्कि एक कॉन्स्पिरेसी थी। एसआरके के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया था, उनको तोड़ने की साजिश की गई थी। लेकिन कहते हैं मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इन 25 दिनों भले ही आर्यन जेल में रहे, लेकिन जितनी तकलीफ शाहरुख और आर्यन की माँ गौरी को उठानी पड़ी शायद आर्यन को भी नहीं उठानी पड़ी होगी। एक 23 साल का लड़का जो बिना सबूत के गिरफ्तार किया जाता है और उसे अर्थर रोड जैसी जेल में 25 दिनों तक रखा जाता है, उसके दिमाग पर क्या असर हुआ होगा हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। शाहरुख ने इन 25 दिनों में खाने भी कुछ ही बार खाए हैं, जिससे उनके सेहत पर काफी असर पड़ा है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज के टाइम में हमारे देश में सबसे बड़े जज सोशल मीडिया पर बैठे हैं, जो कमेंट या ट्वीट करके फैसला सुनाते हैं। सोच लीजिए जब इतने बड़े सुपरस्टार के बेटे का ये हाल हुआ तो आम लोगों का क्या होता होगा, कितने बेकसूर लोगों को सजा मिल जाती होगी। लेकिन फिलहाल आर्यन को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, और ये पॉसिबल हो पाया देश के बड़े वकील मुकुल रोहतगी जी की वजह से, जिन्होंने अपनी समझदारी से तर्क देकर इस केस को संभाला। कई दिनों से शाहरुख के घर मन्नत के सामने भीड़ इकट्ठा हुई है, लेकिन आर्यन को जमानत मिलने के बाद से ही फैंस ने पटाखे जलाने शुरू कर दिए। बाहर देशों से भी काफी फैंस आए हैं, खुशी का माहौल है। शाहरुख के फैंस का यहाँ तक कहना है यही हमारे लिए ईद है और यही हमारे लिए दिवाली है। अब आप ही सोचिए जिसके इतने चाहने वाले हों उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। आर्यन के जमानत की खुशी के साथ शाहरुख के पास एक और बड़ी खुशी आई है, और वो खुशी है कि शाहरुख खान के आने वाली फिल्म पठान को रिलीज होने से पहले ही अमेजोन प्राइम ने 200 करोड़ रुपए देकर फिल्म के राइट्स खरीद लिए हैं। इतनी बड़ी रकम शायद ही किसी एक्टर को किसी फिल्म के लिए मिल पाती। वैसे सलमान खान के आने वाली फिल्म टाइगर 3 के राइट्स को भी अमेजोन प्राइम ने 200 करोड़ रुपए में खरीदे हैं, और इन बातों से पता चलता है कि ये इन एक्टर्स का स्टारडम ही है जो इनके फिल्म के राइट इतने महंगे बिके। शायद ही अक्षय कुमार या अजय देवगन के फिल्म के राइट इतने महंगे बिक पाते। अभी तो सिर्फ फिल्म के राइट ही बिके हैं, लेकिन सैटेलाइट राइट, म्यूजिक राइट और ओवरसीज राइट मिलाकर लगभग 100 करोड़ और बन सकते हैं, जो बहुत ही बड़ी बात है। हम यही उम्मीद करते हैं कि शाहरुख अपने परिवार के साथ अच्छे से दिवाली मनाएं, हमेशा खुश रहें और हम लोगों का एंटरटेनमेंट करते रहें। तो दोस्तों आप लोग भी मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।